हम एवरीवन, आज का पाठ है लखनवी अंदाज। इसमें पहला प्रश्न है, लखनवी अंदाज पाठ के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं यशपाल। फिर प्रश्न आता है कि यशपाल का जन्म कौन से सन में हुआ था? सन 1903 में। यशपाल का जन्म कहाँ हुआ था? फिरोजपुर छावनी में। यशपाल ने प्रारंभिक शिक्षा कहाँ ग्रहण की? कांगड़ा में। यशपाल ने लाहौर के किस कॉलेज से बीए किया? नेशनल कॉलेज से बीए उन्होंने किया था। यशपाल की मृत्यु कौन से सन में हुई? सन 1976 में। यशपाल का प्रसिद्ध उपन्यास कौन सा है? झूठा सच। यशपाल स्वतंत्रता संग्राम की किस धारा से जुड़े हुए थे? क्रांतिकारी धारा से वो जुड़े हुए थे। लाहौर के नेशनल कॉलेज में यशपाल का किससे परिचय हुआ? भगत सिंह जी से उनका परिचय हुआ था। कहाँ की पैसेंजर ट्रेन चल पड़ने की उतावली में फुंकार रही थी? मुफस्सिल। लेखक ने यात्रा करने के लिए किस दर्जे का टिकट लिया? उन्होंने सेकंड क्लास का टिकट लिया था। दूसरा दर्जा जो होता है उसे हिंदी में दर्जा कहते हैं क्लास को। गाड़ी क्या थी? गाड़ी छूट रही थी। डिब्बे की एक बर्थ पर लखनऊ की किस नस्ल के व्यक्ति बैठे हुए थे? नवाबी नस्ल के व्यक्ति बैठे हुए थे। उस व्यक्ति ने अपने सामने तौलिए पर क्या रखा था? तौलिए पर रखा था खीरा। खीरे कितने थे? दो। नवाब साहब ने सीट के नीचे से क्या उठाया? लोटा। नवाब साहब ने जेब से क्या निकाला? चाकू। नवाब साहब की किस चीज़ से स्फुरण से स्पष्ट हो रहा था कि वो खीरे का रसास्वादन करना चाहते हैं? उनके जबड़ों को देख करके ऐसा लग रहा था कि वो खीरा खाना चाहते हैं। उसके बाद प्रश्न आता है, नवाब साहब ने खीरे को लखनऊ का कौन सा खीरा बताया? उन्होंने बताया कि इस खीरे का नाम बालम खीरा है। प्रश्न है, नमक मिर्च छिड़कने से खीरे की फांकें कैसी हो रही थी? पनियाती। मैदा क्या होता है? मैदा होता है आमाशय। आसानी से ना पचने वाला होता है शकील। नवाब साहब ने खीरे की फांकों का क्या किया? उनको फेंक दिया। नवाब साहब ने खीरे की फांकों का रसास्वादन कैसे किया? फेंक करके किया उन्होंने। लखनऊ के खीरे की क्या विशेषता थी? लखनऊ के खीरे की विशेषता थी लजीज। नवाब साहब ने खीरे की फांकों को फेंकने के बाद लेखक को कैसी आंखों से देखा था? गुलाबी आंखों से उन्होंने देखा था। नवाब साहब रेलगाड़ी की कौन सी श्रेणी में सफ़र कर रहे थे? सेकंड क्लास में वो सफ़र कर रहे थे, हिंदी में द्वितीय कहा जाता है। मुफस्सिल की पैसेंजर ट्रेन चल पड़ने की उतावली से फुंकार रही थी। यहाँ मुफस्सिल का क्या मीनिंग है? मुफस्सिल का मीनिंग है केंद्रस्थ नगर के इर्द गिर्द के स्थान, यानी कि जो सेंटर में जो नगर होता है, सिटी होती है, उसके आसपास के जो स्थान होते हैं उसे मुफस्सिल यहाँ पर कहा है। प्रश्न है कि यशपाल ने खीरे को क्या माना है? उन्होंने अपदार्थ वस्तु माना है। नवाबी नस्ल के एक सफ़ेद पोश पालथी मारे बैठे थे। यहाँ पर सफ़ेद पोश का क्या मीनिंग है? सफ़ेद पोश का मीनिंग है भद्र पुरुष। उसके बाद जो प्रश्न आता है वह है, खीरा लजीज होता है लेकिन होता है शकील। यहाँ पर शकील का अर्थ है आसानी से पचने वाला। खीरे की पनियाती फांके देख कर के मुँह में पानी जरूर आ रहा था। यहाँ पर पनियाती का अर्थ क्या है? पनियाती का अर्थ है रसीली। ट्रेन के सेकेंड क्लास डब्बे में एक बर्थ पर लखनऊ की नवाबी नस्ल के कैसे सज्जन पालथी मार करके बैठे हुए थे? नवाब नस्ल के सज्जन बैठे हुए थे पालथी मार करके। नवाब साहब ने खीरे की फांकों को कैसी नज़र से देखा? सतृष्ण। सतृष्ण मतलब क्या होता है?
जो प्यासी नजरें होती हैं उनसे उन्होंने खीरे को देखा। पाठ में किस पर व्यंग्य किया गया है? पाठ में पतनशील सामंती वर्ग पर व्यंग्य किया गया है। नवाब साहेब से जुड़ा खीरे का प्रसंग कौन से स्टेशन का है? यह लखनऊ स्टेशन का है। यह जो प्रश्न है ये पाठ लखनवी अंदाज के प्रश्नोत्तर हैं। अगर आपको इसी तरह के प्रश्नोत्तर चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में पाठ का नाम बताइए, मैं प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूँगी। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद आप बेल बटन को भी प्रेस करिए ताकि आपको सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस समय पर मिल जाएं। उसके बाद मैं आपको इसके और भी प्रश्नोत्तर करवाने वाली हूँ। और अगर आपको इस पाठ के लिए एक्सप्लेनेशन और समरी और इसके मुख्य बिंदुओं की आवश्यकता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे कमेंट करना, ताकि आपकी ये सारी जो पाठ की तैयारी है वह आसानी से पूरी हो जाए। थैंक यू अगेन।